तो जी हाँ, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया सबसे बजट स्मार्टफोन का मार्केट क्यों बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। हाँ जी हाँ, सही बात है ये, क्योंकि सभी ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर अपने स्मार्टफोन के लिए इम्पोर्टेंट समझती है, एक्सपेक्ट गूगल को, क्योंकि गूगल एक अलग कंपनी है जो अपने कैमरास के लिए फेमस है, जो अपने वर्ल्ड वाइड अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी है। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर कंपनीज अपना स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले और हाइप क्रिएट हो। न्यू ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर आ रही है उनके अंदर सबसे फेमस नाम अभी आईकू का हो गया है। काफ़ी टाइम पहले तक रियलमी भी थी, लेकिन रियलमी अब ग्रो हो चुकी है। पता लगाते हैं इस वीडियो में कि ऐसा इंडिया में क्यों हो रहा है। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मार्केट है इंडिया के अंदर, वो जियो ने क्रिएट कर दिया था। जो जियो रेवोल्यूशनरी थी, उसने फ्यूचर के अंदर काफ़ी सारे इंटरनेट यूजर्स को बढ़ा दिया और लोग उससे अट्रैक्ट हो गए। जी हाँ, जो जियो था उसने फीचर फ़ोन के थ्रू अपने जियो का जो मार्केट था उसको काफ़ी सारा इंक्रीज़ कर दिया। इसीलिए जो काई ओएस है इंडिया के अंदर, वो सेकंड नंबर पे रैंक करता है और ग्लोबली थर्ड नंबर पे। इसी के साथ जो खरीदने वाले, जो स्मार्टफोन को ख़रीदने के लिए जो दो टाइप के लोग हैं, जिनके अंदर 80% लोग हैं जो डायरेक्ट फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पे स्विच करते हैं, और जो 20% है वो एक स्मार्टफोन से एक अपग्रेडेबल स्मार्टफोन पे स्विच करते हैं। इसी तरह ये इंडिया का मार्केट क्रिएट होता गया। लेकिन जो शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो की बात करते हैं, तो ये एक डबल ग्रोथ के साथ ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर। लेकिन रियलमी 44% की ग्रोथ के साथ सबसे टॉप पे जा रही है। क्या आप चाहते हो कि रियलमी शाओमी को बीट कर दे? नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और जो एप्पल है वो सबका बाप है, और इंडिया के अंदर वो भी अपनी ग्रोथ को डेली इंक्रीज़ कर रहा है। और जो आईफोन XR था, उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स एप्पल ने करी इंडिया के अंदर। और जो सैमसंग की जो लाइन है वो एकदम फ्लैट चल रही है। एप्पल के फ़ोन्स महंगे होने के बावजूद भी इतने सारे बिक रहे हैं, क्योंकि जो अपग्रेडेबल लोग हैं उसी के कारण एप्पल की लाइन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। और जो पीपल है वो बेस्ट स्मार्टफोन जो अंडर 10 के सर्च करते थे, जी हाँ अंडर 10 के, आप भी सर्च किया होगा कभी आज से 2 साल पहले, लेकिन आज आप सर्च कर क्या करते हो नीचे कमेंट में मुझे बताना। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, बेस्ट फ़ोन अंडर 20K या 30K, क्योंकि आप भी चाहते हो, आप अपने स्मार्टफोन को फ्यूचरिस्टिक रखना चाहते हो। और जो स्मार्टफोन काफ़ी सारे जो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो हाँ वही बात है, आपको जो अट्रैक्शन है स्मार्टफोन के लुक्स के लिए, और जो हाई एंड रैम वेरिएंट मिल रहे हैं आपको, इसीलिए इंडिया के अंदर हाइप क्रिएट हो जाती है हर स्मार्टफोन की, जैसा कि आपको OnePlus 8 में देखने को मिला। लेकिन OnePlus 8 ने काफ़ी सारे धोखे भी दे दिए अपने प्राइसिंग को लेकर। वेट करते हैं उसकी इंडियन प्राइसिंग की, उसके बाद हम उस पर और बात करेंगे। लेकिन जो यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट बजट स्मार्टफोन का मार्केट है वो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इससे उल्टा होता है फॉरेन के अंदर। फॉरेन में इससे उल्टा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग स्मार्टफोन पे अपग्रेड करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है और वो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए है कि इंडिया सबसे उल्टा चलता है। और आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आपके स्मार्टफोन की ब्रांड कौन सी है। तो यही था मेरा वीडियो के अंदर बताना कि ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नीचे कमेंट करके जाना, और वीडियो को शेयर कर दो एज मच एज पॉसिबल।